Hey guys, I'm Gaurav and you're watching आपका अपना शो जिसका नाम है डियर डायरी। तो डियर डायरी में क्या होता है भाई, आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज भेजते हो और मैं आपकी स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाता हूं। तो चलिए आज का जो किस्सा है, ये स्टोरी है, वो मुझे भेजी है अरुणिमा ने। और अरुणिमा रहती हैं दिल्ली में और अरुणिमा कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत खुश हूँ। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, सारे खुश हैं तो आप भी खुश होंगे तो अच्छी बात है। ये बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में ना बड़े फ़लसफे अलग अलग रहे। हाँ, घर में माहौल जो था बहुत अच्छा था, जॉइंट फैमिली में रहती थी और सब लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन सबसे बड़ी होने के कारण ना सब लोग यही कहते थे कि लड़की पे थोड़ी लगाम कसो, इसको काम सिखाओ घर का, बस यही सिलसिला चलता रहता था और मुझे हर चीज़ में मनाही थी। यूँ तो मैं दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में पली बड़ी, लेकिन दिल्ली में भी भाई जॉइंट फैमिलीज कौन सी कम है। लेकिन ज़िंदगी अजीब से मोड़ पे आ गई थी, ना तो ज़्यादा दोस्त थे और ना ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और स्टिकनेस इतनी कि पूछो ही मत। और बस पापा से जब भी कहती कि पापा लॉन्ग ट्रिप पे ले आओ, है ना, तो पापा बस दिल्ली से गुड़गांव ले जाते थे। अगर पापा को कहते कि पापा लेट नाइट क्लबिंग करवा दो, तो पापा कहते थे नहीं, दिन में सारे क्लब घुमा दिए मुझे। यूँ तो मेरे पापा मुझसे प्यार बहुत करते थे और एक अच्छे ओहदे पे थे, लेकिन उनको बस यही रहता था कि दोस्त वोस्त ज़्यादा नहीं होने चाहिए ज़िंदगी में, इससे जो ज़िंदगी है ना वो ख़राब रहती है। लेकिन खुद के अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन उनको क्या पता था मेरे तो दोस्तों की लाइन बे इंतहा है। हाँ, बहुत दोस्त थे मेरे। और जब मैं कॉलेज में पहले दिन एडमिशन लिया तो मेरे कम से कम 7 दोस्त बने, यानी कि हम 7 लोग थे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हम 7 लोगों की। लड़के लड़कियां मिक्स थे भाई, डोंट वरी। और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, यानी कि हर दिन घूमना, बातें करना, और उस टाइम हमने फ़ोन भी रिलायंस के लिए रखे थे। और आप सोचो कि ऐसी दोस्ती कहाँ मिलती है ना, सारा दिन कॉलेज में इकट्ठे रहना और फिर भी शाम को जाकर घंटों फ़ोनों पर बातें करना। और मेरे पापा बहुत नाराज़ मुझसे कि क्या सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो, कि बेटा ज़िंदगी में दोस्त काम नहीं आते हैं, ज़िंदगी में दोस्त जो हैं वो बदलते रहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करो, अपने करियर पे ध्यान दो। तो बस इसी सिलसिले में यही डांट सुनते सुनते मैं बड़ी होती गई। एक दिन एक शाम बैठी थी तो मम्मा बता रही थी कि तुम्हारे पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, सुबह वॉक पे चले जाते हैं, दोपहर को अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकते हैं, शाम को फैमिली के साथ बैठते हैं, रात को फिर वॉक पे चले जाते हैं। तो पापा की रिटायरमेंट वाली लाइफ यही थी। तो मैं उस टाइम सोचती थी कि पापा मुझे कितना रोकते हैं कि तुम्हारे दोस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी। अब भाई हमारी ज़िंदगी में आ गया एक लड़का, उससे हमें होगी मोहब्बत, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़का थोड़ी थोड़ी आनाकानी करता था। मीन्स आनाकानी क्या, वो कह रहा था मुझे सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। और भाई मेरे दोस्त बड़े खतरनाक, मेरे जो लड़के वाले दोस्त थे ना, उन्होंने तो उस लड़के के पास सीधा पहुंचे और उसको बोला, भाई देख सुमित, अगर तू इससे शादी करना चाहता है तो बेशक कल ही कर ले, लेकिन हमारी दोस्त के साथ टाइम पास मत कर, है ना, इसके रिलेशन को ख़राब मत कर, इसका दिमाग ख़राब मत कर, अगर ये डिप्रेशन में चलेगी तो हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। तो देखो दोस्ती तो ऐसी होती है ना, दोस्त वही जो आपके ढेरों राज छुपाएं, दोस्त वही जिनको पता हो कि आपकी पीने की कैपेसिटी कितनी है और आपके घूमने की कैपेसिटी कितनी है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यही तो है दोस्ती। लेकिन दोस्ती में एक पता है क्या होता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं चलकर एक मुकाम ऐसा आता है जब सब लोग बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में और एक दूसरे का साथ छूटने लगता है। लेकिन टचवुड हमारी दोस्ती थोड़ी अलग थी। हम सब लोगों की शादी होगी, है ना, हम सब लोगों के बच्चे भी हो गए और अब मेरी भी उम्र अच्छी खासी होगी, तो हम सब लोगों के बच्चे हो गए, तो अब 7-8 साल से जो हमारी दोस्ती थी वो कई सालों में बदल गई और अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्यों ना आपस में हम लोग रिश्तेदार बन जाएं। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि आपको आपके आपके पार्टनर को या आपकी जब मेरे दोस्तों की पार्टनर्स को लगता होगा, है ना, थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती होगी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इस लड़की से ज़्यादा बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना, या लड़कियाँ सोच रही होंगी इस लड़के से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ तो ज़िंदगी ऐसे ही है, इसमें खट्टा मीठा बन आता रहना चाहिए। लेकिन हाँ, दोस्ती वही जो आपका साथ दे। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे दोस्त मेरे पास थे, मेरे सातों दोस्त जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थे, सब मेरे आस पास थे। उन्होंने बस मुझे यही कहा कि तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। और हाँ, उस टाइम मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड अब्रॉड में थे और मेरे पापा मेरे पास पहुँच नहीं पाए थे, तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि आज मेरे दोस्त ही तो हैं
जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरी बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि फिर भी पेरेंट्स को यही लगता है कि नहीं, फैमिली फैमिली है, रिश्तेदार रिश्तेदार हैं, उनका अपना एक स्थान है। मैं मानती हूँ वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, हमें टाइम टाइम पर एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या मैं ये कहूँ कि मैं बहुत लकी थी कि मुझे दोस्त ही ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, या यूँ कहूँ कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तक बदल दी, जो हर पल हर दम मेरे साथ खड़े रहे। और मैं ऐसी दोस्ती को हमेशा सलाम करती हूँ। और हाँ, ये भी है, कभी कभी आपको लगता होगा है ना कि सब लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अहमियत है और सब लोग किसी ना किसी वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके साथी हैं, वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहें तो ये आपके भाग्य की सबसे बड़ी जीत होगी। यही मेरे साथ हुआ। और अभी आज मैं देख रही थी कि मेरे पापा ने एक फ़ोटो डाली हुई है, चश्मे लगा रखे हैं, 5 अंकल खड़े हैं है ना, और सब लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने उस फोटो पे नीचे कमेंट किया कि ये दोस्ती वोस्ती कुछ काम नहीं आती है, हाँ करियर पे ध्यान दे लीजिए। उसी टाइम मेरे पापा का फ़ोन बजता है और मेरे पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अच्छे दोस्त मिले हैं, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ लोगों को अच्छे दोस्त मिलते हैं, कुछ कुछ लोगों के साथ बुराइयाँ हो जाती हैं। तो मैं बस उस टाइम यही चाहता था कि तुम्हारी लाइफ जो है वो अच्छे से हो जाए, तुम सेटल हो जाओ। और हालांकि अब तुम सेटल हो चुकी हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम्हारे खुद के बच्चे हो चुके हैं, और हाँ तुम्हारे वो जो 6-7 दोस्त हैं वो भी बहुत परफेक्ट हैं, उन्होंने तो मुझे FB चलाना सिखाया है। और देखो एक बात और है, तुम्हारी जो माँ कहती थी कि तुम्हारा ये दोस्त अच्छा नहीं है या ये लड़की अच्छी नहीं है, वो भी उनसे प्यार से बात करने लगी है, अब तो वो भी उनको प्यार करने लगी है। और हाँ, इस बार जो पार्टी होगी ना हमारे घर पे दिवाली की, तो तुम सब दोस्तों को बुलाना, सब लोग बैठ कर बातें करेंगे। तो जी, यही है मेरी ज़िंदगी की कहानी। देखिए, टाइम टू टाइम हमें चीज़ें अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं, या कभी कभी कहें कि भाग्य हमारे पे थोड़ा, वो कहते हैं ना कि मुझ पे मेहरबान था तो इसलिए मुझे अच्छे दोस्त मिले। लेकिन बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, दोस्त बहुत 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 ज़रूरी है। तो जी, ये थी एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।